तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम मोबाइल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि मोबाइल क्या है, इसका खोज और मोबाइल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यह सब जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक, बस कुछ मिनटों का है। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं मोबाइल क्या है। मोबाइल फोन को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे मोबाइल फोन को हम सेल फोन, सेलुलर फोन और वायरलेस फोन भी कहा जाता है। इस डिवाइस के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से आसानी से बातचीत कर सकते हैं। अन्य शब्दों में कहे तो यह लंबी दूरी का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है, जिसका प्रयोग ध्वनि तरंगों के संचार के लिए किया जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में मोबाइल फोन का उपयोग बहुत ही ज्यादा हो रहा है, और अब मोबाइल फोन का प्रयोग न सिर्फ बातचीत करने के लिए किया करते हैं, बल्कि मोबाइल फोन का प्रयोग संदेश, ईमेल, इंटरनेट आदि ऑनलाइन कार्यों में उपयोग करने के लिए करते हैं, और साथ में ब्लूटूथ वीडियो रिकॉर्ड, गेमिंग ऑडियो रिकॉर्ड के साथ साथ तस्वीर खींचने, MP3 प्लेयर, FM और GPS जैसे अन्य कार्यों में भी हम मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। तो आइए अब जानते हैं मोबाइल की खोज किसने और कब किए। विश्व में सबसे पहला मोबाइल फोन मार्टिन कूपर द्वारा लॉन्च किया गया था। मार्टिन उस समय मोटोरोला कंपनी में काम करते थे, और उनके इसी खोज की बदौलत कम्युनिकेशन फील्ड में एक क्रांति ला दी, जो आज के समय में एक से बढ़कर एक अपडेट टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फोन मिल रहे हैं, जिसका वजन बहुत ही कम है। लेकिन जब पहला मोबाइल फोन हमारे बीच 1973 में आया था, तो उस मोबाइल फोन का वजन लगभग 2 किलो था। तो आइए अब जानते हैं मोबाइल का फुल फॉर्म क्या होता है। मोबाइल का फुल फॉर्म मॉडिफाइड ऑपरेशंस बाइट इंटीग्रेशन लिमिटेड एनर्जी होता है, तथा मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहते हैं। मोबाइल फोन से हम बहुत से कामों को आसानी से कर सकते हैं, जैसे एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं, मोबाइल में टाइम भी देख सकते हैं, मोबाइल में कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम मोबाइल के माध्यम से ऑफिस से संबंधित SMS, ईमेल या कोई फाइल मोबाइल से ही भेज सकते हैं, या और भी काम कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कुछ समय में। कुछ लोगों को मोबाइल की आदत इस कदर लग जाती है कि अगर मोबाइल कुछ समय के लिए दूर चला जाए तो ऐसा लगता है कि उनके पास से सब कुछ गायब हो गया है। अगर आपको मोबाइल के नुकसान और फायदे के बारे में भी जानना है तो कमेंट में Part 2 लिख के सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देके इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 लाइक 1 कमेंट एंड 1 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।